नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग एक वर्ड सीरीज लेके आए हैं जो SST बुक से रिलेटेड होगा। SST मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उस वर्ड का जिक्र आज हम लोग करते हैं। तो उस पहले वर्ड का नाम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आज जिस वर्ड का जिक्र करने वाले हैं उसका नाम क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स एक टर्म्स है। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली हम लोग समझते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम लोग सिंपल यदि हम लोग समझेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वाटर साइकिल। मतलब वाटर का चक्र किस तरह से कंप्लीट होते रहता है। जल चक्र हम लोग बोलते हैं कि वाटर स्टार्टिंग में किस तरह से था। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेन वाटर कंटिन्यूअसली गेट रिसाइकल्ड इन नेचर थ्रू एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए, जो रेन वाटर है वो कंटिन्यूअसली रिसाइकिल्ड होते रहता है नेचर में एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर साइकिल किस तरह से मेंटेन रहता है। तो देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जितना भी फ्रेश वाटर या फिर जो वाटर का सोर्सेस है हमारे पास अर्थ में, तो जो भी है हमारे पास, जैसे रिवर हो गया, फिर हमारे पास लेक्स हो गए, फिर हमारे पास बहुत सारे पॉन्ड्स हो गए, फिर सी हो गए, फिर आइस कैप्स हो गए, ये सब है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, मान लेते हैं ये रिवर है या फिर लेक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सन है हमारा, ठीक है, सन का लाइट इस पे पड़ता है, सन है हमारा, तो सन ये जो है, ठीक है, सन जब इस पे इसका जब रे पड़ता है, इस पे इसका जब लाइट पड़ता है, तो ये सब क्या होने लगते हैं, वाटर क्या होने लगते हैं, एवोपोरेट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? एवोपोरेट होने लगते हैं। मतलब एवोपोरेट होंगे तो ये क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे हल्के होने के बाद, तो एवोपोरेशन यहाँ पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, पहला जो प्रोसेस बोला गया उसका जिक्र किया गया था एवोपोरेशन का। तो सबसे पहले एवोपोरेट हुए ये। एवोपोरेट होने के बाद जैसे ये वाटर वेपर में बदले, तो और ऊपर जाने पे ये थोड़ा ठंडा हो गए। तो ठंडा हो गए तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन हुआ तो ये कंडेंसेशन होने के साथ साथ जब ये हल्के ठंडे हो गए तो ये धीरे धीरे किसका फॉर्मेशन करने लगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करने लगे। कब? जब कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, तो जब कंडेंसेशन हुआ तो इनका क्या बन गया, क्लाउड। तो ये क्लाउड जब फॉर्म कर लिए, तो बहुत सारा जब क्लाउड एक साथ मिल जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में क्लाउड जब यहाँ पे कलेक्टेड अमाउंट में हो जाते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धीरे धीरे क्या होते हैं, ये फिर से अर्थ पे फॉल करने लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, रेन के थ्रू फॉल करने लग जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो यहाँ पे समझिएगा, प्रिसिपिटेशन सिर्फ रेन के रूप में नहीं होता है। प्रिसिपिटेशन सिर्फ रेन के रूप में नहीं होता है। प्रिसिपिटेशन का बेसिक मतलब यदि हम लोग समझेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रिसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स ग्राउंड में फॉल करते हैं। वाटर वेपर क्या हो रहे हैं, ग्राउंड में फॉल्स कर रहे हैं। फॉल्स ऑन ग्राउंड, फॉल्स ऑन ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, तो कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन हो सकते हैं, स्नो हो सकते हैं, हेल हो सकते हैं और स्लिट के फॉर्म में गिर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगा इस हेल और स्लिट क्या होता है। तो बेसिकली हेल जो होता है वो समर स्टॉर्म्स में होता है, जो स्लिट जो होता है वो विंटर स्टॉर्म्स में होता है। हेल जो होते हैं उनका जो साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है, ओला के टाइप में, मतलब आइस पैलेट्स जो होता है, और स्लिट में छोटे छोटे आइस पैलेट्स होते हैं, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है हेल और स्लिट के बारे में, कि हेल और स्लिट में क्या डिफरेंस है, इसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा बेसिकली वाटर साइकिल्स की, वाटर किस तरह से साइकिल्ड होते रहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसने हम बोलते हैं। सबसे पहले सनलाइट किस पे पड़ा, जो भी वाटर बॉडीज है हमारे पास, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन पे फॉल करता है। वाटर बॉडीज पे फॉल करने के कारण वो जो वाटर है वो वेपर बन के एवोपोरेट होने लगते हैं। एवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू वो एवोपोरेट होके जब ऊपर जाते हैं तो उनका कंडेंसेशन होता है, कूल होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब खाना वगैरह बनता है तो वो जो वेपोराइजेशन होता है, वहाँ एवोपोरेशन ही होता है, वेपोराइजेशन होता है, तो उसको हम लोग ढक देते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो सेम उसी तरह एवोपोरेशन, यहाँ पे एवोपोरेशन हुआ तो वहाँ जाके वो कंडेंसेशन में क्लाउड का फॉर्मेशन किए। किसका फॉर्मेशन किए, क्लाउड का फॉर्मेशन किए। अब क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद जब वो ज़्यादा मात्रा में एक कलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे, तो ये
प्रिसिपिटेट होने लगते हैं, नीचे अर्थ की ओर गिरने लगते हैं। और प्रिसिपिटेशन तो आपको मैंने समझा ही दिया, ये था हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। तो इस तरह से क्या हुआ, ये साइकिल चलते रहता है। साइकिल्स किसको बोलते हैं, जो ये प्रोसेस है वो चलते रहता है। देखिए अब ये प्रिसिपिटेशन हुआ रहे, तो फिर से ये क्या होंगे, वाटर बॉडीज में मिल जाएंगे। तो वाटर बॉडीज में मिल जाएंगे तो ये साइकिल क्या होगा, फिर से चलते रहेगा। वाटर बॉडीज फिर से हुआ, फिर से एवोपरेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ये था आज का वर्ड हम लोग का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। ठीक है।